वैश्य व्यापार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खबरों के साथ। पाली हिल में स्थित कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चल चुका है और इस बुलडोजर के चलने के बाद वहां पर टूटी खिड़कियों के शीशे देखे जा सकते हैं। अंदर किस तरीके की नुकसान है वो इन तस्वीरों में साफ हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं इस दफ्तर के भीतर जो बीएमसी के मुताबिक इलीगल हैं, यानी कि इसका जब निर्माण किया गया तो ये अवैध तरीके से ये तमाम चीजें बनाई गई दफ्तर के अंदर, और इसके बाबत ही बीएमसी ने कंगना को नोटिस भी भेजा था। लेकिन अब नोटिस के बावजूद ये कार्रवाई हो चुकी है बीएमसी की, वहां पर बुलडोजर चल चुका है। दफ्तर पर तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता सुबह से ही नजर बनाए हुए इस खबर पर, हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अब आर पार की जंग छिड़ गई है बीएमसी और साथ ही कंगना रनौत के बीच, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अब इसके खिलाफ अर्जी भी दाखिल कर दी गई है जिस पर सुनवाई हो रही है। 24 घंटे का बीएमसी ने नोटिस दिया था, लेकिन कंगना रनौत के मुताबिक ये साजिश है और दफ्तर में कोई अवैध निर्माण हुआ ही नहीं है। बीएमसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, अंदर की तस्वीरें आप देखिए पूरी तरीके से तबाह नष्ट हो चुका है। पूरी तरीके से कई ऐसे एरियाज हैं जिन पर ये बुलडोजर चलाया गया है, वहां पर हथौड़े चले हैं, उसकी आवाज भी बाहर तक सुनी गई थी। सब फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।